अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से ना चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाया करें, इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg चिकन का कीमा लिया है, 250 ग्राम प्याज लिया है, उसको चॉप करके अच्छी तरह निचोड़ लिया है। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी ब्रीक ब्रीक चॉप कर लेना है। 1 tablespoon हरा धनिया, 1 tablespoon ही पुदीना लिया है, उसको भी ब्रीक ब्रीक चॉप करके वो डाल दिया है। 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं, उनको क्रश कर लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाना, मोटी मोटी कूट के डालनी है। ठीक हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoon, और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है 1 tablespoon, इसको भी क्रश करना है, पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा कूटना है, पाउडर नहीं बनाना। और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा 1 tablespoon, इसको भी मोटा मोटा कूट लेना है, ज़ीरे का भी पाउडर नहीं बनाना। रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, रेड चिली पाउडर 1/2 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, नमक हसबे ज़ायका आप इसमें शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon। अब इन तमाम मसालों को सबसे पहले चीनी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 tablespoon चिली सॉस, 1 tablespoon लाइट सोया सॉस। अब दोबारा इसको अगेन मिक्सअप करेंगे और फिर हम इनके कबाब बना लेंगे। अच्छा, मसाले नमक मिर्च जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, इट्स अप टू योर टेस्ट। अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हो तो आप इससे ज़्यादा डाल लो, अगर कम खाते हो तो इससे कम क्वांटिटी में आप मसाले शामिल कर सकते हो। ठीक हो गया। तो हमारे कबाब बन गए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के बनाने हैं और ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने। तो कबाब हमारे बन के रेडी हैं, अब इनको करते हैं फ्राई। अच्छा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं करना फ्राई, मीडियम लो पे आपने इसको फ्राई करना है। इससे आपके कबाब जो है ना बहुत अच्छे से जूसी भी रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब बन के रेडी हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, सब घर वालों ने बहुत पसंद किया था। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसे लगी और आपके घर वालों को रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कियानीस किचन। अपनी बहन को दो में याद रखिएगा।